सो वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद आज है फिफ्थ ऑफ मार्च और सैटरडे है सो वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट आपका टेस्ट होने वाला है यहाँ पे आपको टोटल तेरह सेट मिलेंगे हर सेट में आपको दस क्वेश्चन मिलेंगे और आपको हर सेट के बाद बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है नो वी आर नॉट गोइंग टू रीड एनी थिंग न्यू आज सिर्फ रिविजन है सो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट प्लीज आप अपना एक पेन लेकर बैठे एक पेज लेकर बैठे भले आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं या ना बताएं बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है लेकिन आप अपना स्कोर लिखते जाएं। सही आंसर राइट आंसर के लिए आपको अपने आपको प्लस वन मार्क्स देना है रॉन्ग आंसर के लिए अपने आपको माइनस टू पॉइंट फाइव मार्क्स देना है देखिए यहाँ पे आई एम डूइंग माइनस टू पॉइंट फाइव लेकिन सी डी एस में यू नो इट इज माइनस पॉइंट थ्री थ्री राइट बट ओवर वी आर डूंगा हम लोग अंडरस्टोड इफ यू आर नॉट अटेम तो अपने आपको जीरो मार्क्स दीजिएगा एग्जैक्टली इसी तरह से करना है डोन्ट पैनिक डोंट वरी एवरीथिंग विल गो नाइस पहला टेस्ट जो है वो टेस्ट सेट जीरो ऐसे ट्राई बोल ट्राई बोल इजी क्वेश्चन इजी आंसर इसको ट्राई बॉल में आप आंसर देना शुरू करें ओके रेडी स्टडी गो क्वेश्चन है कि सेवेंटी थर्ड स्ट्रांडा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये कहां पे हेल्ड हुआ है रोमानिया सर्बिया बुल्गेरिया या ग्रीस बिल्कुल तो ये बताएंगे कहां पे हेल्ड हुआ है कई अप। यस तो आंसर इज बुल्गेरिया कल हम लोगों ने पढ़ा था सोफिया बुल्गेरिया में ये हेल्ड हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है

ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नीति आयोग यूनेस्को या फिक या आईएफसीआई थोड़ा जल्दी आंसर देंगे क्योंकि आपको पता है कि आज टोटल हमारे पास इंक्लूडिंग जीरो प्लस ट्वेल्व सेट है यानी कि टोटल तेरह सेट है ईच में टेन क्वेश्चन है यानी कि हम लोग आज ओवरऑल वन थर्टी क्वेश्चन का रिविजन करने वाले हैं थोड़े कुछ पुराने क्वेश्चन भी होंगे तो आप लोग आंसर देंगे और जहां पे स्किप करना है वहां स्किप करेंगे नीति आयोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड 19 का फोर्थ वेव इंडिया में आने वाला है इसको आईआईटी कानपुर प्रेडिक्ट कर रहा है किस महीने में किस महीने में ये आने वाला है किस महीने में ये आने वाला है ठीक okay. है ये आएगा जून महीने में क्लियर है अंडरस्टूड वेरी गुड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन को देखेंगे तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन फेबररी दो में टोटल कितना लाख करोड़ हुआ है जीएसटी टैक्स कलेक्शन फेवररी 2022 में कितना लाख करोड़ हुआ है तो ये है 1.33 लाख करोड़ ओके okay, गाइज आज से करो आज से जो लोग भी अभी तक एक भी करंट अफेयर्स का सेशन नहीं देखे नॉट आई इशू आज से करिए जो क्वेश्चन है एक सौ तीस क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट बार ठीक है आज से करिए पुराने छोड़ दीजिए है ना तो अब देखिए यहाँ पे छह महीने का हम पूरा रिवाइज करवा रहे वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी देखिए ये तो मेगा का फुल फॉर्म भी याद करना है ठीक है का फुल फॉर्म याद होना चाहिए मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी तो यहाँ पे कौन बने हैं वाइस प्रेसिडेंट जुनैद कमल अहमद कमल अहमद अगला सवाल हु हैज बीन अपॉइंटेड टू ट्विटर पब्लिक पॉलिसी एंड फिलंथ्रॉफी एफर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया ट्विटर में अगर फिलेंथ्रॉफी देखा जाए परोपकार नीति और परोपकार के प्रयास के लिए किसे नियुक्त किया गया है तो द आंसर कमॉन थोड़ा बकअप ठीक है तो दिस इज समरन गुप्ता समरन गुप्ता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट दिस इज स्टिल नाउ यू टेल मी द आंसर हैव यू फाउंड आउट क्या कहाँ का है ये लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ये लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मारिया कहां का है हां नाउ आई वॉन्ट टू सी कि यू हैव प्रिपेयर द आंसर और नॉट जल्दी बताएं हाँ सो द आंसर इज कहा है अब ये बताइए रशिया है या यूक्रेन है अब समझ में आ गया ना ये ओके सो दिस इज रशिया नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has become the largest recipient largest recipient yes So again there is a controversy we will discuss about it largest recipient of us covid vaccine which country kisko usa se sabse zyada covid vaccine mila hai so this is bangladesh this is bangladesh question number 10 this is the last question of this set तो सेट ए कंप्लीट हो गया हमारा टाइम बहुत सही चल रहा है पांच मिनट में एक सेट कंप्लीट रिसेंटली फाउंडर ऑफ भारत पे हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट वॉट इज हिज नेम वॉट इज हिज नेम ठीक है द को फाउंडर ऑफ भारत पे क्या नाम है इनका तो इनका नाम है अश्नि ग्रोवर नाउ अब टेल मी दैट इन दिस सेट सेट जीरो दिस वॉज सेट जीरो वॉट इज योर स्कोर आउट ऑफ टेन क्वेश्चन व्हाट इज योर स्कोर ओके आई थिंक एवरी वन वुड बी हैविंग दम पूरा टेन में टेन स्कोर इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा दिस इज सेट जीरो ट्राई बॉल होता है ना वैसे क्रिकेट देख सुन के आपको पता ही होगा कल शेन वॉन का निधन हो गया है एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर लेग स्पिनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के ग्रेट ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के हैं शेन वॉन उनका निधन हो गया तो आठ नौ नौ एक स्किप दस में दस so, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको दस में दस आ रहा है नौ आया है आठ आया है ममता को सात so, सेट नंबर वन इज थोड़ा पुराना सेट ठीक है क्योंकि लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर है तो सेट नंबर वन है कि चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहा है वेयर इज द द्वार्टर ऑफ चेस फेडरेशन I've told you this many a times. Okay, where is the headquarters of Chess Federation? Okay, Javed Sir's fan. I will, I will tell. Rush, Ukraine. Okay, I'll make a short. Okay. So, yeah, the first answer is Lucan, uh, Switzerland. lucerne Switzerland. No, I'm not telling that Russia or Ukraine is. I will clear. You will clear and tell me. I don't know. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस सिटी इज नोन एज द डेक्कन ऑफ क्वीन डेक्कन क्वीन भारत के दक्कन दक्कन आप समझते हैं दिस इज द दक्कन पोर्शन ऑफ इंडिया डेक्कन क्वीन किस सिटी को कहते हैं चेन्नई बेंगलुरु पुणे या इंदौर यस सो इट इज पुणे इट इज पुणे डेक्कन क्वीन इज पुणे अंडरस्टूड क्लियर बढ़िया नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे दिस इज अ बोनस मार्क्स वंसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात सो एवरी आंसर वंसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टारगेट ऑफ वन जीरो फाइव जीरो जीरो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एक दस हजार पाँच सौ हाँ डेक्कन नाम की ट्रेन भी चलती है ठीक है डेक्कन क्वीन नाम की तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बन रहा है अक्रॉस द कंट्री तो ये बताएंगे कि ये कब तक चले कब तक बनेगा ये क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ द आंसर द आंसर इज सी ओके मार्च 2025 तक वी विल बिल्ड 10,500 जन औषधि केंद्र क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फाइव कि 2021 में I'm not talking about vice I'm talking about equis. BRICS chairman, who? Which country? BRICS, you know, Brazil, Russia, India, China, and South Af South Africa. So, which country is the chairman of BRICS 2021? Of BRICS 2021. Okay. So this is India. This is India. Right now But here yeah, next, the Indus Water Treaty. वो साइन इन वॉट इज इंदस वाटर ट्रीटी इंदस एक नदी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर करते हैं उसके कुछ कुस्ट्रीब्यूटरीज को तो इसको जो ट्रीटी है ये कब साइन हुई है किस साल गाइस कमौन हरियाप, शब रजत शमा, अमित पूजा गीता हर्षद अरविंद जया लक्ष्मीधर अंजलि महेश दिनेश पूजा पिंकी एक्सिलेंट मानस थोड़ा और और स्पीड बढ़ाओ यार ठीक है तो यहां पे 1960, 1960 में ये क्या हुआ है साइन हुआ है ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता देते हैं एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं बता देते हैं ब्राजील रशिया ठीक है इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका चले नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट हैडियट नेशनल पार्क वेर इज माउंट हैरियड नेशनल पार्क येस विकास प्रिंस कुलदीप विक्रांत विक्रांत बी वाई सी बीवाई सी का फुल फॉर्म क्या होता है ममता वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट तो दिस इज इन अंडमान एंड निकोबार माउंट हैरियड नेशनल पार्क इज इन अंडमान एंड निकोबार दिस इज द ग्रेड टेस्ट ठीक है ग्रैंड टोटल सो बी वेरी मच सिंसियर टू दिस टेस्ट नाउ द हेडक्वार्टर इज ऑफ आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक इज लोकेटेड इन आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार आई डी एफ सी इज इनका मुख्यालय है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड नेक्स्ट आगरा आगरा किस नदी के किनारे है कृष्णा गंगा अलखनंदा यमुना आगरा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ विच रिवर ठीक है आगरा इज सिचुएटेड इन द बैंक नियर द बैंक ऑफ विच रिवर आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना यमुना में आगरा सिचुएटेड है पॉस्टर सही रखिए अपना ऑल द स्टूडेंट प्लीज सिट स्ट्रेट डोंट लीन डोंट लेटिंग एंड एवरीथिंग सिट स्ट्रेट नाउ दिस इज महाराष्ट्र डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम इज इन महाराष्ट्र दिस वॉज सेट नंबर वन सेट नंबर जीरो इज डन टेन क्वेश्चन नाउ दिस इज सेट नंबर वन टेन क्वेश्चन टेल मी योर स्कोर टेल मी योर स्कोर येस वॉट इज योअर स्कोर गाइज वट इज द स्कोर थोड़ा सा सेशन को लाइक करना है ठीक है जिनका कॉलेज कॉलेज है तो क्या करें हा वॉट इज योअर स्कोर हरियाप हरियाप हांजी क्या स्कोर लाए आप डोंट देखो सेट स्ट्रेट सात आठ सात सात नौ करेक्ट आठ दस परफेक्ट टेन रजत एक्सेलेंट लक्ष्मीधर एक्सेलेंट ओम प्रकाश एक्सेलेंट टेन परफेक्ट टेन दे आर ओके यू आर लेट नॉट अ इश्यू नेक्स्ट सेट यू विल ज्वाइन नेक्स्ट सेट यू ज्वाइन नेक्स्ट सेट ओके वन मोर क्वेश्चन इज ओवर हैज अ बोनस क्वेश्चन दिस वॉन्ट बी काउंटेड यू जस्ट टेल मी द आंसर This is a bonus question because I thought that maybe you will not be remembering. Ki Rene Frank Trophy isn't related to which sports? Rene Frank Trophy. This is a bonus, bonus. It is related to hockey. Rene Frank Trophy is related to hockey. Now the next set starts. Set number two. Set number two is quite tough. सो डोंट पैनिक इफ योअर आंसर गेट्स रॉन्ग ओके नाउ यू स्टार्ट टेल मी द लेखक हु इज द राइटर ऑफ हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज तो जितने भी इनक्रेडिबल ओलंपिक हुए हैं उसके स्टोरीज पे किसने किताब लिखा है जल्दी बताएंगे दिस इज सेट नंबर टू एंड द आंसर इज लुकियानो Luciano vernike Luciano vernike is the answer question number one answer is d next question which institute has collaborated with minister of ayush to conduct a study on ashwagandha for promoting the recovery of from covid-19 which institute has collaborated with ministry of ayush thoda aur up guys what is happening you tell me which institute gautam buddha university iit delhi patanjali ya london school of hygiene to see london school of hygiene and tropical medicine has collaborated with ministry of ayush for ashwagandha clear excellent which country has decided to issue देखिए हो सकता है दैट यू नॉट बी रिमेंबरिंग द आंसर्स बट ऑप्शन को एक बार देखिएगा तो याद आएगा कि लंडन स्कूल पढ़े थे कहीं है ना बताए थे गुड तो विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इशू गोल्डन वीजा टू ऑल डॉक्टर्स रिसाइडिंग देयर तो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो वहां रह रहे हैं उनको गोल्डन वीजा दिया जाएगा ताकि उनको बार बार इस देश में आने के लिए वीजा को अप्लाई नहीं करना पड़े सो दिस इज यू UAE ने गोल्डन वीजा जारी कर दिया है अगला सवाल टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग किसने दिया है योगेश्वर दत्त दीपा मलिक संजीव सिंह वरुण सिंह भट्टी हंड्रेड ऑफ टाइम्स आई दिस क्वेश्चन सो यू कांट बी रॉन्ग किसने दिया है कर दे तू कमाल थीम सॉन्ग ऑफ ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक्स। ये दिया है संजीव सिंह ने ये क्रिकेट खेलते हैं पैरालंपिक मतलब ये खुद जो है दिव्यांग क्रिकेटर है अगला सवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया वी हैव दिस क्वेश्चन एंड योर चैट रेज मतलब आंसर देने का जो रेट है आपका वो गिर रहा है आई कैन सी ओनली थर्टी स्टूडेंट हाफ द स्टूडेंट वॉचिंग आर गिविंग द आंसर वॉट इज हैपनिंग दिस सेट है एवरी वन फॉर ईच एग्जाम करंट अफेयर्स का सेट ये हर एग्जाम के लिए है यस तो निकोल पैन पैशियन जो है ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर इफ यू आर कंफ्यूज द प्रेसिडेंट ही इज द प्रेसिडेंट ओके यू आर कंफ्यूज सी दिस सोली गिवन दिस ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हित स्टोर हर स्टोर स्कीम हैज बीन लॉन्च हर हित हित स्टोर स्कीम हैज बीन लॉन्च ये लक्ष्मीधर को याद है वेरी गुड तो ये बताएंगे ये कहां पे है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा ओके टॉपिक वॉट टॉपिक तो दिस इज हरियाणा हरियाणा ओके क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन विच हाई कोर्ट हैज रिसेंटली स्क्वैश तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु की सरकार क्या किया था बोला था कि बैन कर देंगे ऑनलाइन गेम्स को और ये हाई कोर्ट ने क्या किया है ये हाई कोर्ट ने बोला यहाँ से कि नहीं आप बैन मत नहीं कर सकते नहीं करिए ठीक है अंडरस्टूड यस सो यू टेल मी यह है मद्रास हाई कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉमिनेटेड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट टू इनहस एनहैंसमेंट ऑफ डिजिटल अपील एट नेशनल वॉर मेमोरियल तो नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बोल रहा है बात कर रहा है हरिअप यस सो दिस इज दिस इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसके साथ कोलैब किया है हां ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ये बताएंगे ये जो बिल है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है इसका की ऑब्जेक्टिव है कि ये छोटे छोटे एयरपोर्ट को बड़े एयरपोर्ट के साथ कोलैब करेगा ताकि दोनों फंक्शन कर पाए पेयरिंग ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट एंड बिग एयरपोर्ट क्लियर बढ़िया क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट एसनर एसनर अवार्ड इंडियन विजुअल आर्टिस्ट एंड हैज वन एसनर अवार्ड हु इज ही जी आनंद राधा कृष्णन हैज वन द बेस्ट पेंटर मल्टी मीडिया आर्टिस्ट इंटीरियर आर्ट एसनर अवॉर्ड सो दिस इज द सेट नंबर टू टेन क्वेश्चन वी हैव डन वन जीरो टोटल थर्टी क्वेश्चन मी योर स्कोर इन दिस टेन वॉट इज योर स्कोर इन सेट नंबर टू एंड हैोस्टेड आप लोग को जिवेस्तर से कुछ, कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या कुछ भी उनके हेयर स्टाइलिस्ट का नाम उनका वेट हाइट कुछ भी पूछ सकते हैं आप तो आपने क्या अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है क्योंकि आज आपको पता है कि अदालत में कौन है जिवेद सर है कल कोई भी हो सकता है तो आज ही आप पार्टिसिपेट करें उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको जिवेद सर से पूछने हैं जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पूछिए मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं एक क्वेश्चन है हु इज योर फेवरेट शुड आई टेल एम आई सपोज टू टेल तो नहीं ना आज छह बजे जानिएगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है जिवेश सर से है ना तो आप लोग भी पूछे जिवेश सर से क्वेश्चन गूगल का फॉर्म मिल चुका होगा आपको गूगल फॉर्म गूगल का फॉर्म नहीं गूगल फॉर्म जिसमें आप लोगों ने, ने क्वेश्चन पोस्ट करने हैं आई टोटल सेवन क्वेश्चंस आई गेस सो देखते हैं मेरे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं टॉप में बिल्कुल है ना अच्छा त्रिक्षा का क्वेश्चन जिवेश की शादी पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन का सर आंसर देते हैं मैंने तो सुना है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है सर गुस्सा भी हो गए है ना तो देखते हैं आज शाम देखेंगे आई विल ऑल्सो बी देर सो एवरी वन विल कम सिक्स पी एम सेम चैनल यू नो वेर यू हैव टू कम और यहाँ पे अभी आपको चैट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा इस वीडियो का ये जो छह बजे आपको मिलेगा लाइव सेशन तो आप अभी से जाके उसमें रिमाइंडर सेट कर दें उसको लाइक like भी कर दें आई विल शो यू हाउ टू सेट द रिमाइंडर एंड हाउ टू लाइक द सेशन आफ्टर द क्लास सेट नंबर थ्री नेक्स्ट इज सेट नंबर थ्री आप बताएंगे इसका आंसर इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव मैनग्रोव के इंटरनेशनल डे का कंजर्वेशन हाँ इंटरनेशनल डे हाँ सर गुस्सा होंगे आज मुझे भी लग रहा है इसकी क्योंकि like तो क्वेश्चन नहीं नहीं बाद में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग नाम थोड़ी बताएंगे आनंद मिश्रा जैसे आपका क्वेश्चन डेंजरस है मुझे पता है तो हम लोग नाम थोड़ी बताएंगे कि आनंद मिश्रा का क्वेश्चन है <laughs> जी सर से बदला नहीं ये हर सैटरडे को हर फैकल्टी का होगा फर्स्ट फैकल्टी इज योर फेवरेट जिवे सर है ना एक्चुअली वोटिंग हुई है तो वोटिंग में जिवे सर टॉप पे आए थे कि सबसे पहले उनकी अदालत चाहिए तो बिल्कुल आइएगा so, ये देखिए सेट थ्री 26 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अब थोड़ा और सीरियस हो जाओ ठीके? सेट थ्री इज टफर 26 जुलाई को हम लोग ये करते हैं यूनाइटेड नेशन डे किस दिन मनाते हैं Which day? ये वाला सेट में डे डे बहुत सारा यूनाइटेड नेशन डे किस दिन सेलिब्रेट होता है ना वो गूगल फॉर्म में डाल दो वो questions आ जाएंगे ठीक है आईव रेड बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिया एंड आईव रेड ऑल द क्वेश्चन सो आज साहिल हाँ, से पूछेंगे छह बजे अदालत बहुत सारे वो लगेंगे इल्जाम देखते हैं वो बड़ी होते हैं या फिर उनको सजा मिलती है चले तो 24 अक्टूबर को ये यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट होता है अगला सवाल है ह्यूमन राइट्स डे ह्यूमन राइट्स डे ये कब सेलिब्रेट होता है ह्यूमन राइट्स डे ये कब सेलिब्रेट होता है है ना तो ये 10 को है अमन पूछ रहे हैं आप किस स्टेट की है स्टेट के नाम नाम मुझे सुनाई देते हैं ना मुझे दिखाई देते हैं वर्ल्ड एड्स डे वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है मैंने सब पढ़ा मैंने तो क्वेश्चंस पढ़े मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था तो मुझे लगा मुझे क्वेश्चंस तो देखने ही है सो आई रेड ऑल सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट दिसंबर उसके बाद डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट होता है दिस सेट इज ऑल अबाउट डेज बिकॉज आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डेज के ठीक है तो ये डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट होता है बिल्कुल तो ये फोर्टीन नवंबर को सेलिब्रेट होता है ठीक है अगला सवाल टॉलरेंस डे यानी कि बर्दाश्त करना वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस तो यहाँ पे क्या टॉलरेंस है कि अगर बहुत सारे रिलीजन के लोग एक देश में रह रहे हैं जैसे हमारा देश सेक्युलर है तो हम लोगों को एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं करना है वी हैव टू बी कंपैटिबल साथ में रहना है है ना तो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन सिक्सटीन नवम्बर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हाँ मुझे पता है कि मेरे साथ तो आप लोग ऐसे करने वाले चुन चुन के क्वेश्चन लाएंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो uh, मैं ऐसे ही प्रडिक्ट कर सकती हूँ आप लोग क्या पूछने वाले हैं इसीलिए तो कि मेरे आवाज का क्या राज है हाँ हाँ बिल्कुल पांच नवम्बर पांच नवम्बर को वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट होता है अगला सवाल है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे देखो दिस दिस कैन बी अ पेन फॉर यू दिस सेट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेज हैं पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जा रहा है कुछ नहीं तो याद कर लो ना अभी इसके साथ साथ जज कौन है गुड क्वेश्चन देखते हैं आज जज कौन है 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट होता है 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन तो जो लोग जिनके माता पिता का निधन हो गया है वॉर में वो लोग अनाथ बच्चों के लिए कौन सा दिवस है आंसर दो यार दिस इज सिक्स जनवरी एंड देन फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज कि इंटरनेशनल डे फॉर वेमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये कब सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे फॉर वेमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन इलेवेंथ ऑफ फ़रवरी ओके नाउ यू टेल मी आर स्कोर आई थिंक दैट इस बार थोड़ा कम होगा स्कोर नॉट अ इशू नॉट अ इशू इसको अभी फिर से ठीक कर देंगे अगले सेट में अब अपना स्कोर बताइए आप लोग हाय एवरीवन हेलो क्लास ना आठ बजे शुरू होती है प्लीज आप लोग टाइम पे आए टेल मी योर स्कोर्स अच्छा सूरज जज है अच्छा ठीक है अच्छा एक बात बताओ परसों तुम लोग प्रिया मैम को बोल रहे हो कि मैंने बोला कि प्रिया मैम का बर्थडे अच्छा अच्छा दस में दस भी आया है नौ आया है सात आया पांच आया है सो दैट मीन्स योर स्कोर इज नॉट डिक्रीजिंग चार okay, भी आया है कोई नहीं कोई नहीं इट विल इंप्रूव इट विल इंप्रूव नाउ द नेक्स्ट सेट सेट नंबर फोर सेट नंबर फोर पर्सन ऑन गूगल इन इंडिया 2021 इंडिया में आप लोगों ने अच्छा हाँ इतना बड़ा झूठ तुम लोग बोल रहे हो प्रिया मैम को कि आ, मैंने बोला कि प्रिया मैम का बर्थडे बद, बर्थडे है लेकिन नेक्स्ट मंथ यस yes. क्या कर रहे हो तुम लोग मतलब पूरा एकदम वो अदालत वाले मूड में हो ना कि अभी से एकदम फैसला सुनाना है और ये सब छह बजे होगी अदालत तो दिस इज नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं गूगल पे 2021 में भारत में ज्ञान पीठ अवार्ड लेकिन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स ज्ञान पीठ अवार्ड किसको मिला है हाँ जैवलिन डे बिल्कुल सात अगस्त को मनाया जाता है तो यह है नीलमानी फूकन नीलमानी फूकन ज्ञान पीठ अवार्ड फिफ्टी सिक्स इनको मिला है क्लियर है क्वेश्चन नंबर थ्री ज बिकम द नंबर वन फूड सप्लायर ये क्या हो गया नंबर वन फूड सप्लायर फॉर अरब कंट्रीज तो अरब कंट्री को सबसे ज्यादा फूड सप्लाई करने वाला कौन सा देश है तो बी प्राउड इंडियंस दिस इज आर इंडिया हमारा भारत उसके बाद आप बताएंगे वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के इंडियन प्रेसिडेंट देखो मेरे पास टोटल तेरह सेट आपको पता है फोर टेस्ट फोर्थ सेट चल रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए है, है ना अच्छा हाँ बिल्कुल वो मोजो का नाम लिखते तो कंफ्यूजन होता वो फिफ्टी सेवेंथ तो यहां पे बताएंगे ये है श्रीकांत माधव वैद्य श्रीकांत माधव वैद्य क्वेश्चन नंबर फाइव रिसेंटली द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज पास्ड अवे इनका नाम क्या है बताइए जल्दी इनका नाम क्या है वॉट इज हिज एम थोड़ा एनर्जी बड़ा होगा यार क्या हो गया टूडे इज द महा सैटरडे रिविजन एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट कम विदर्स सो दिस इज विपिन रावत जनरल विपिन रावत इनका निधन हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फॉर इंडिया क्वेश्चन नंबर सिक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनेक्स ट्वेंटी वन बिम्स्टेक कंट्री ने इसको किया है ये बताइए कि ये जो पैनेक्स है जो कि बिम्स्टेक देशों ने किया है ार्क माइन सार्क माइनस पाकिस्तान माइनस अफगानिस्तान माइनस माइनस श्रीलंका ऑल्सो है ना तो यहाँ पे आप बताएं प्लस थाईलैंड प्लस मैन प्लस म्यांमार हाँ और उसमें मालदीव से सार्क में इसमें नहीं है तो ये क्या हो जाएगा पुणे पुणे में पैनिक्स हुआ है उसके बाद आप बताएं कि शी इज अ चेंज मेकर शी इज अ चेंज मेकर फॉर वेमेन इन इंडिया ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है

अगला सवाल डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म ठीक है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया अभी हाँ आर्ज चौहान थैंक यू ठीक है ठीक है तो यहां पे आप देखें अमिताभ कांत ने लॉन्च किया है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म फिर आप बताएंगे एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है तो यह एक्सरसाइज भारत करता है मालदीव्स के साथ किसके साथ मालदीव्स के साथ करता है भारत यह एक्सरसाइज अगला सवाल है डेविस कप डेविस कप कंट्री कौन इस बार जीता है डेविस कप जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में एक्सीलेंट जी वेरी गुड वेरी गुड सो डेविस कप रशिया क्रोएशिया सर्बिया या पोर्तुगल सो so, ये जीता है रशिया ने ट इज ओवर टेल मी योर स्कोर बिफोर वी स्टार्ट सेट नंबर फाइव टेल मी योर स्कोर और एनर्जी दिखाओ ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एग्जाम के पहले एग्जैक्टली एग्जाम की तरह आप लोग इतने सारे सेट बना रहे वो भी एक घंटे के अंदर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि सबको सेशन पसंद आ रहा है और आप लोग आंसर दें शेयर भी करना होता है लोगों को बताना होता है कि वी आर डूइंग सच इंपॉर्टेंट सेट्स ओवर है क्या है स्कोर नाइन सेवन ओके नाइन सेवन एट सिक्स करेक्ट सेवन करेक्ट नहीं स्कोर बताओ गलत है तो माइनस टू पॉइंट फाइव करो नाइन सिक्स सेवन ठीक है सिक्स 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 सेवन ओके गाइज नोट इश्यू सेट नंबर फाइव सीबीएसई के चेयरमैन कौन बन गए हु हैज बीन द चेयरमैन ऑफ सी बी एस ये बताइएगा आप लोग पवन कुमार अभिषेक घोष विनीत जोशी या आशीष यादव बीन द चेयरमैन ऑफ सी तो ये है कौन विनीत जोशी विनीत जोशी जो है सी के चेयरमैन बन गए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है रोमेश सोपती शिखा शर्मा संदीप बख्शी या परेश किदवाई? रोमेश सोपती शिखा शर्मा संदीप बख्शी या परेश किदवाई किसको मिला है बिजनेस स्टांड, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है संदीप बख्शी को संदीप बख्शी को मिला है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड और ये सी और और एम डी है के कौन सा कंट्री इज फर्स्ट टू अलाउ ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए ये कंट्री अलाउ कर रहा है और वो भी सिविल सिविलियन एयर स्पेस में यानी कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ये कंट्री ने अनुमति दे दी है ड्रोन्स को तो ये कंट्री कौन सा है ऑबवियसली इजराइल है और ये हमास पे जाके अटैक करेगा नेक्स्ट सवाल है कि एस एफएमसीजी कंपनी टू बिकम प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल तो एक एफएमसीजी एक ग्रुप है ठीक है यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट नहीं इस्तेमाल करने के लिए कौन सा कंट्री है नेस्ले डाबर आईटीसी या मैरिको व्हाट विल बी द आंसर द आंसर इज डाबर ठीक है डाबर जो है एफ का ऐसा कंपनी है जो कि न्यूट्रल वेस्ट बिल्कुल ही प्लास्टिक वेस्ट को न्यूट्रल कर देगा काला रामचरण ये पहली विमेन पुलिस कमिश्नर बनी है कहाँ की बनी है गुरुग्राम फरीदाबाद गाजियाबाद या फिर मेरठ काला रामचरण चंद्रन ये बन गई है पुलिस कमिश्नर और विमेन पुलिस कमिश्नर जैसे कि किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस पी है ये फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर है तो ये गुरुग्राम की फर्स्ट वुमेन कमिश्नर बनी है नेक्स्ट सवाल कि एथलीट हाउ मेनी मेडल्स सो फार इंडिया हैज वन इन एथलीट्स एट ओलंपिक्स तो हम लोगों ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में एथलीट्स में एथलीट आप समझते हैं दौड़ना कूदना जिमनास्ट वगैरह सब मिला के तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक ही मेडल जीता है और ये जो है गोल्ड मेडल ही है सीधे ठीक है चले नेक्स्ट अगला सवाल है कि वॉट वॉज द थीम Of International Day of Indigenous People. So Antarashtri Swadeshi Devas Dohazar ikis ka theme kya hai indigenous language, indigenous people migration and movement, leaving no one behind indigenous people and the and the call for a new social contract, yeah, indigenous media empowering indigenous voices. So the answer is leaving no one behind indigenous people and the call for a new social contract. Clear? नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप हम लोग बात कर रहे हैं कि कम कमोडोर कासर गोड पटना शेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया है इनको महावीर चक्र मिला है सबको याद होना चाहिए है ना महावीर चक्र मिला है तो आप बताएंगे बिल्कुल आप बताएंगे कि इनको किस साल महावीर चक्र मिला है ठीक है ये मिला है 1971 में इनको इन द ईयर 1971 और अभी 2021 में इनका निधन हो गया है तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1971 में इनको महावीर चक्र मिला है महावीर चक्र जो बांग्लादेश का जो हमारा लड़ाई हुआ है उसमें बांग्लादेश को जो हमने आजादी दिलाई है उसमें मिला है अंडर अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि दो पार्टी है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट uh, है किसी बिजनेस को लेकर तो उन मतलब अगर किसी एक ने फ्रॉड कर दिया तो दूसरे पर जो पार्टनर है उस पर कितना लाइबिलिटी को हम लोगों ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है तो ये टोटल बारह ऑफेंसेज है जिसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बाई अमेंडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर टेन एशियाटिक लाइन कहाँ पे मिलते हैं भारत में एशियाटिक लाइन इजी क्वेश्चन कहा पे किस नेशनल पार्क में भारत में एशियाटिक लाइन मिलते हैं यस गाईज हरिया हरियप हरिअप वेरी गुड एक्सेलेंट आपको ये भी याद है कि बारह है एक्सेलेंट तो ये है गेड नेशनल पार्क गुजरात सो नाउ यू टेल मी योर स्कोर्स वॉट इज योर स्कोर इन दिस सेट वी हैव डन सिक्सटी क्वेश्चन येट इन फोर्टी इन थर्टी सेवन मिनट द टाइमिंग इज परफेक्ट हम लोग सिक्सटी क्वेश्चन कर चुके हैं देखिए बीच में आप एक गैप ले लीजिए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं आप गैप ले सकते हैं लेकिन जब हम टेस्ट बनाएंगे वो भी सिर्फ दस क्वेश्चन का टेस्ट बना रहे है ना तो दस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा स्पीड में बनाई रहिएगा चलिए आप बताइए कितना स्कोर है एट पॉइंट सेवन फाइव नॉट बैड नॉट बैड नाइन ठीक है नाइन ओके गाइज और क्या नाइन पूजा नाइन आठ आठ दस आठ नौ आठ चार सचिन बकाप पांच uh, दिनेश कोई नहीं इंप्रूव होगा ठीक है 8.75 देख लिया मैंने 8.75 ज्यादा लोग हैं 8.75 कुछ नहीं होता है क्यों नहीं होता है गलत होगा तो 0.25 माइनस uh, करेगा ना क्या कहाँ हो तुम चले सो रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट रेडी स्टडी पी लो ठीक है पेन रखना है पेपर रखना है पॉस्चर सही होना चाहिए जवान स्ट्रेट ओके okay, स्ट्रेट हां ओके सो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट सेट सेट नंबर से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ईजी है तो इसलिए आराम से आंसर दीजिए चीफ साइंटिस्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ हैज अर्ज द नेशन टू प्रायोरिटाइज द री ओपनिंग ऑफ स्कूल अमिड कोविड नाइनटीन हु इज द करेंट चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ यस हा तो ये है सौम्या स्वामीनाथन टेक फॉर इंक्लूसिव चैलेंज टेक फॉर इंक्लूसिव चैलेंज ठीक है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? सवान सावधान जवान थोड़ा सा पोस्टर स्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट फोकस टेन क्वेश्चन ये टारगेट है इसको पूरा करो जल्दी तो ये बताएंगे ये देखिए ग्रामीण फाउंडेशन ऑफ इंडिया यहां पे टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजन का मतलब रिमोट एरिया तक पहुंचाना तो रिमोट एरिया यानी कि ग्रामीण अंदर अंदर तक जो लास्ट लाइन में आदमी जो कि लाइन में लास्ट खड़ा है वहां तक इसको पहुंचाना फिर आप देखिए आई आई एफ एल फिनेंस हैज पार्टनर्ड विथ होम टू ऑफर इनोवेटिव डिजिटल क्रेडिट टू प्रोडक्ट टू मर्चेंट तो देखिए एक बैंक है जिसके साथ इसने आई आई एफ एल फाइनेंस ने पार्टनरशिप किया है क्यों ताकि ये जो मर्चेंट्स हैं, उनको ये फायदा पहुंचा सके है ना तो इनको ये फायदा पहुंचा सके अब आप बताइएगा कि ये जो है कौन सा बैंक है ये बैंक है फिनबॉक्स ये है फिनबॉक्स इनोवेटिव डिजिटल क्रेडिट प्रोडक्ट ये फिनबॉक्स तक पहुंचाएगा एक करोड़ का पेनाल्टी लगा है एक करोड़ का पेनाल्टी आर ने लगाया है बच्चे क्वेश्चन तो हिंदी में ही हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई ने एक करोड़ का जुर्माना लगाया है तो आर ने को ऑपरेटिव रेबो बैंक यू पर जुर्माना लगाया है क्योंकि इनको रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस कम थे इनके जो रूल रेगुलेशन थे वो कमज़ोर थे किस देश ने सतत सतह से सतह पर मार करने के लिए ब्लास्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है यानी कि सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल ब्लास्टिक एयर मिसाइल तो ये बताएंगे गजनवी जो है ये कौन से देश के हैं ओके, सो दिस इज पाकिस्तान पाकिस्तान इज टेस्टिंग गजनवी गजनवीज टेस्टेड टेस्टेड गजनवी नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर व्हेन 19 फरवरी 21 फरवरी 20 या 22 फरवरी हां विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब होता है 20 फरवरी को होता है कब होता है 20 फरवरी को होता है फिर आप बताएंगे कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस मैतृभाषा दिवस मदर लैंग्वेज वो कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है बताएं जल्दी से आंसर इसका ये होता है कब ये होता है इक्कीस फरवरी फिर फाउंडेशन डे ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ये पहले कब स्टेट बने उस दिन के बारे में पूछा जा रहा है ये कब स्टेट बने बीस इक्कीस बाईस तेईस ये बने हैं बीस फरवरी को तो हम लोग इस दिन इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं अगला सवाल है सेवन सोयल हेल्थ कार्ड डे हम लोग सेवन सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेट करते हैं कब सातवा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस उन्नीस फरवरी को और अगला लास्ट uh, क्वेश्चन इस सेट का है कि प्रधानमंत्री वर्चुअली अनवील्ड एशियाज बिगेस्ट गोवर्धन बायो सी प्लांट तो ये बताएंगे कि ये जो बायो सी प्लांट है इंदौर न्यू दिल्ली हैदराबाद पुणे कहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है तो इसका उद्घाटन हुआ है इंदौर में नाउ यू टेल मी योर स्कोर इन दिस सेट सेट नंबर फाइव में आपका स्कोर क्या है हम लोगों ने अभी तक तो कितने सेट बनाए सेट नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव दैट मीन्स वी हैव डन सिक्सटी क्वेश्चन गुड सो आप बताएंगे सेट नंबर फाइव में आपका स्कोर क्या है हरियप हाँ जी गाइज क्या हो रहा है मतलब कुछ लोग बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हैं क्या बात है आप इसे सोच रहे हो जिवेश सर से क्या पूछना है ये ये सोच रहे हैं आप लोग एक दो क्वेश्चन हमको भी बता दो क्या पूछोगे सिर्फ तीन क्वेश्चन सही हुए क्या पूछने वाले हैं आप लोग सर से ऐसा कोई कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताओ जिसने फॉर्म में डाला मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक जी वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है वो उसमें जाएगा वो सील्ड पैकेट होता है ना एग्जाम के पहले दिया जाता है कि सी दिस पैकेट इज पैकेट इज सील्ड वैसे ही है बहुत क्वेश्चन स्किप हुए हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं याद भी तो होंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन अब तो याद हो जाएंगे ठीक है तो अब नेक्स्ट सेट जो है उसके लिए आप लोग रेडी हैं थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच वगैरह कर लीजिए मुंडी सीधा कर लीजिए खोपड़ी को बफरिंग मेरे साइड से तो नहीं हो रही अच्छा ये सेट नंबर सिक्स था तो हम लोगों ने सेवेंटी क्वेश्चन कर लिया सेट नंबर सेवन पैंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है रेडी है ना आप लोग आराम से रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए अच्छा अमित का क्वेश्चन है कि जिवेश सर किसके लिए जान दे सकते हैं और अगर दे सकते हैं तो क्यों जान दे सकते हैं ठीक है तो डाल देना इसको गूगल फॉर्म में गूगल फॉर्म में इस क्वेश्चन को डाल देना ठीक है हाँ वरना स्किप हो जाएगा आप लोग को पता है ना गूगल फॉर्म कहां पे मिलेगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद से डाल देना अच्छा okay. so, ये अच्छा क्वेश्चन है आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द आंसर ओके सो ये बताएं 19 फरवरी को पेंगुलिन दिवस होता है वर्ल्ड फिर आप बताएं कि भारत का पहला टैक्सी सर्विस भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ पे शुरू हुआ है हाँ जी गोवा ओडिशा महाराष्ट्र या कर्नाटका तो ये हुआ है मुंबई में अच्छा है हम रियाज भी इसी के साथ साथ कर लेते हैं हम बहुत सुरीला गाते हैं आपको पता है आई सिंग वेरी वेल आई सिंग कोई भी गाना बताओ आई विल सिंग मैं खुद ही गा लेती हूं सुनाई दिया आई थिंक बीच में टेक्निकल एरर हो गया था नहीं नहीं मैंने तो गाया आपको सुनाई नहीं दिया है तो फिर वट कैन आई से चलिए तो ये जो है स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस एंड सशस्त्र ऐप तो ये कौन से पुलिस फोर्स ने शुरू किया है ये शुरू किया है दिल्ली ने टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं हाँ दो बजे दो बजे मनीष दो बजे लवकेश हाय सलोनी हाय ओम प्रकाश परमानंद विक्रांत इंजीनियर सचिन शशि सिंह कुलदीप सबका कमेंट दिख रहा है लेकिन आप लोग कमेंट करने से अच्छा आंसर दो ना आंसर ज़्यादा मुझे दिखते हैं एन एम एस सी एन एम एस सी नेशनल मेरी टाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ठीक है तो ये बताएं कि कौन बन गए भारत के पहले कोऑर्डिनेटर और ये पहली बार ये पोस्ट बना है तो ये है जी अशोक कुमार जी अशोक कुमार आईपीओ डॉलर यूएस डॉलर एट बिलियन का इनिशियल पब्लिक औफ, पब्लिक ऑफरिंग देने वाला ये कौन सा कंपनी है एयर इंडिया एल आई या फिर एच तो ये कौन सा कंपनी है बिल्कुल सही एल ने अपना आई बहुत बड़ा आई निकाला है आप बताएंगे कि एज पर आई बी ए आई बी ए सेवेंथ एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 कौन सा बैंक बन गया है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर सबको सुनाई दे रही है ना हम खराब गाते हैं अच्छे से सुनो अब सुनाई दिया थैंक यू तो ये कौन सा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा अगला सवाल है इजी टैप इजी टैप आरजे चौहान तुम्हारा बिल्कुल दिख रहा है पर आप आंसर नहीं दे रहे ना यहाँ पे स्टूडेंट जो आंसर देते हैं उनकी बातें सुनी जाती है हाँ, राहुल यू आर राइट तो यहाँ पे आप देखे कि पॉइंट ऑफ सेल सोलूशन पॉइंट ऑफ सेल सल्यूशन टू द मर्चेंट भले गलत आंसर दो लेकिन आंसर दो हाँ, तो ये है कोटैक महिंद्रा बैंक अगला सवाल कि ग्लोबल ट्रेड अपग्रेड रिपोर्ट पूरे दुनिया ने कितने पैसा का ट्रेड किया है पैसा नहीं रुपया डॉलर पॉइंट उसमें सब कुछ हो जाएगा येन येन जो भी वान सब कुछ रहने भी तो अब आप बताएं पूरे दुनिया ने कितना ट्रेड किया है पूरे दुनिया ने डॉलर यूएस डॉलर 28.5 ट्रिलियन का ट्रेड किया है 2021 में इतना इतना ट्रेड हुआ है इस बार मतलब ये रिकॉर्ड लेवल था ये रिकॉर्ड लेवल था सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए जी डी पी एस बी आई इको रैप के अकॉर्डिंग भारत का जी डी पी क्या है इको रैप के अकॉर्डिंग अब बताएंगे यस yes. तो बिल्कुल आंसर बताइए जल्दी बताओ यार क्या कर रहे हो सो रहे हो क्या तुम लोग 8.8% 8.8% परसेंट एट पॉइंट एट परसेंट का हम लोगों ने ट्रेड किया है अगला सवाल सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे क्या ये कुश्ती से रिलेटेड थे या शूटिंग है ना सबका आंसर देख रहे हैं बच्चे ऐसे थोड़े अभी तो सबका आंसर देख रहे हैं बैडमिंटन फुटबॉल सब ये बताएं कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे जी तो ही वॉज रिलेटेड टू फुटबॉल सुरजीत सेन गुप्ता फुटबॉल मोहन बगान में खेलते थे और ईस्ट बंगाल मोहम्मडन स्पोर्टिंग सबके ये पार्टिसिपेंट रह चुके हैं जब ये सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हां सॉरी क्वेश्चन नंबर इस सेट में अपना स्कोर बताइए सेट नंबर सेवन हो गया स्कोर बताइए सेट नंबर सेवन जल्दी बताएं आंसर uh, स्कोर बताइए अपना फिर हम लोग सेट नंबर एट शुरू करेंगे ओके गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हां जी सेट नंबर एट शुरू करने के पहले इसका आप स्कोर बता दीजिए अपना जल्दी से 8.75, 8.9, सेवन okay, ओके 9, 10, ओके सो गाइज टू पॉइंट कोई नहीं इम्प्रूव होगा रिविजन 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 और कुछ नहीं एंड प्रैक्टिस सो दिस इज आई थिंक द लास्ट सेट अकॉर्डिंग टू द टाइम तो इसको थोड़ा रैपिड फायर में करेंगे थोड़ा जल्दी करेंगे तो आर यू रेडी स्टेडी गो सांस ले लो एक बार है ना बिल्कुल हाँ हाँ जिवे सर का आशीर्वाद भी ले लो ठीक है सो रेडी स्टडी गो नेक्स्ट संसद र... रत्न एवॉर्ड संसद रत्न एवॉर्ड 11, 12, 13, 14। कितने एमपी को संसद रत्न अवॉर्ड मिला है हाँ तो ये है सेट नंबर एट कितने संसद को मिला है कितने एमपी को मिला है इलेवन इलेवन एमपी को संसद रत्न अवार्ड मिला है नेस्कॉम के अकॉर्डिंग भारत का क्या रैंक है इकोसिस्टम सिस्टम सिस्टम फॉर स्टार्टअप यानी कि हम लोग स्टार्टअप के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट रखे हुए हैं इसमें हमारा रैंक क्या है हमारा रैंक क्या है थर्ड सेकेंड फोर्थ फिफ्थ तो ये है थर्ड थर्ड है थर्ड फिर आप बताएंगे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एम डी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड एच यू एल तो बताएं ये कौन है इनका नाम है संजीव मेहता संजीव मेहता फिर आप बताएं कि राकेश शर्मा हैज बिन रीअपॉइंटेड एज द एम डी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक राकेश शर्मा जो है वो किस बैंक के बने हैं यस बैंक एच डी एफ सी बैंक आई डी एफ आई डी बी आई बैंक या एक्सिस बैंक तो ये बताएंगे आई बैंक टोटल हाउ मेनी रफेल एयरक्राफ्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाई इंडिया फ्रॉम फ्रांस फ्रांस से हम लोगों ने कितने रफेल एयरक्राफ्ट लिए हैं 25 27 32 या 35 25 27 32 या 35 कितने हैं अभी अभी के सारे क्वेश्चन हैं तो ये सारे सही हो जाएंगे तो ये है 35 35 हम लोगों ने ले लिए हैं और दो और लेने हैं भारत इंडियाज नेवी मल्टीलिटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 हैज बीन स्टार्टेड बाय विच सिटी इन विच सिटी तो ये मिलान एक्सरसाइज 2022 हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं बेंगलुरु विशाखापट्टनम या फिर कोची या चेन्नई तो ये हम लोग कर रहे हैं विशाखापट्टनम में कहाँ हो रहा है ये विशाखापट्टनम में एंटी सबमेरिन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट पी एट आई पी ए एट आई जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं ये किस कंपनी का है ये किस कंपनी का है ये है बोइंग का किसका है बोइंग का है ये। क्लियर अगला सवाल हु हैज बीन हु हैज बिकम आर फुल टाइम फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हां ये बताओ तो ये है संजीव सान्याल फुल टाइम जिसमें कि विवेक देवड़ोय जो हैं वो चेयरमैन हैं। ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड डेस्टनीज ऑफ द नेशन ये इस बुक के ऑथर कौन है इस बुक के ऑथर कौन है ये अनिरुद्ध सूरी है और ये क्वेश्चन का आंसर बताइए हां और मैं इसी बीच में आपको एक बहुत सुंदर सा वीडियो दिखाने वाली हूं बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे आंसर इज 9.5, अपना स्कोर बताइए यस गाइस सो यू सीन तो आज है हमारे कटकड़े में जिवेश सर छः बजे बिल्कुल आ जाना है आपको सेशन में है ना तो दिस इज द सेट नंबर नाइन जो कि हम लोग शुरू करेंगे कल से शुरू करेंगे और बाकी आप जानते हैं कि अगर आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में कोई भी बैच चाहिए एक सेकेंड तो उसके लिए आपको जो कोड यूज़ करना है वो कौन सा है वो कोड है वाई थ्री थ्री टू अगर आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं आई एम शोइंग यू यहाँ पे आपको पहले वेबसाइट पे जाना है जैसे आप अपने गूगल पे गए ठीक है फिर आप यहाँ पे अडर ट्वेंटी फोर सेवन और फिर भारत का नंबर वन जो ऐप है सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे जाएंगे फिर आप जैसे ये डिफेंस पे आए डिफेंस में अभी सी का बहुत अच्छा बेहतरीन बैच चल रहा है शौर्य वन है शौर्य टू है और ये टारगेट यू है टारगेट यू का ओ है लेकिन अगर मेरे पास महापैक रहेगा तो क्या फ़ायदा है कि मुझे सारे बैचेज मिलेंगे और प्लस टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा ठीक है टेस्ट सीरीज उसमें एडेड रहेगा हर महापैक का यही फायदा है कि इसमें जितने भी बैचेस आपको दिख रहे हैं सिर्फ सी डी एस नहीं सी आई एस एफ और जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जितने एग्जाम होंगे सी ए पी एफ आने वाला है बी एस एफ सी आई एस एफ सी डी एस सारे एग्जाम्स आपको एक जगह मिलेंगे और जो अब एफ कैट आएगा वो भी आपको अब ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो आपको क्या करना है डिफेंस महापैक पर जाना है और यहाँ पर ये यह व्यू ऑफर पर जाना है व्यू ऑफर में अवेलेबल ऑफर्स आपको ऑप्शन मिलेंगे और यहां पे आपको क्लिक करना है वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर देना है और इसके बाद आप देख रहे हैं सिर्फ आपको टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी नाइन पॉइंट में ये पूरा डिफेंस का महापैक मिल जाएगा सिमिलरली आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम का कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम का कर रहे हैं एसएससी का कर रहे हैं टीचिंग का कर रहे हैं तो सारे महापैक आपको Y332 कोड यूज करने पे बहुत बड़े डिस्काउंट यानी कि यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा होगा 77 परसेंट तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा और ये महापैक आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे लाइव क्लासेस मिलेंगे टीचर से वन बाई वन पूछने का मतलब आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं माइक ऑन करके टीचर से जैसे चैट में पूछा जाता है क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हैं नोट्स आपको टीचर जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आपको टेस्ट तो मिल गए लाइव क्लासेस मिल गए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई ज़्यादा डाउट है या कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है या मेरा ज्योग्राफी वीक है मेरा सिविल इंजीनियरिंग वीक है मेरा सिविल इंजीनियरिंग सही है लेकिन मेरा इरिगेशन नहीं स्ट्रांग है स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़े या नहीं पढ़े ये सारे डाउट्स आपके एक ही प्लेटफॉर्म पर क्लियर हो जाएंगे तो आज ही जाइए अगर आप फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप इंस्टॉल करके फ़ोन के सबसे नीचे में स्टोर का सेक्शन है उस पर क्लिक करें और स्टोर में जाके आप जिस भी पैक में इनरोल होना चाहते हैं आज ही जाकर इनरोल हो जाएं थैंक यू एवरी थैंक यू फॉर द सेशन